जिस वक्त की अहम खबर बता दें, आज से क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज होगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला होगा। दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। आईसीसी वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया। आज आगाज हो चुका है वर्ल्ड कप का। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 टीमें हिस्सा ले रही है। कुल मिलाकर हर टीम तैयार और आज का मैच बेहद खास और बेहद रोमांचक। पूरी तैयारी हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और आपको बता दें कुछ ही देर में मैच की बस शुरुआत हो जाएगी। और स्टेडियम की बात की जाए तो पहले से ही टिकट बुक हो चुका है। लोग बेहद उत्साहित हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप का आगाज और आज पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। हालांकि दोनों टीम की बात की जाए तो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि आज का जो मुकाबला है कैसा मुकाबला होगा। एक तरफ बताया ये जा रहा है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि आज कांटे की टक्कर हो सकती है। और अगर वजह देखिए कि पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है अब न्यूजीलैंड ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने। आगाज और देखिए भारत में मैच हो रहा है तो भारतीय जो फैंस से बेहद उत्साहित हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत प्रबल दावेदार, क्योंकि एशिया कप जीतने के बाद फैंस बेहद उत्साहित। तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, मैच बेहद रोमांचक होने वाला है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, कैसे समझे इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए जिस पल का बेसब्री से इंतजार हर किसी भारतीय फैंस को था कि भारत में विश्व कप हो, उसका आगाज हो चुका है। आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। ये वही टीमें हैं जिनके बीच 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। सुपर ओवर में मैच गया था और उसके बाद सुपर ओवर भी टाई रहा था, जिसके बाद बाउंड्री के आधार पर जो विजेता है उसका जो ऐलान है वो किया गया था। और इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो लगातार दो वर्ल्ड कप से, 2015 वर्ल्ड कप की बात करें या 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, दोनों बार से फाइनलिस्ट टीम रही है, दोनों बार उन्होंने फाइनल खेला है। तो इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। लेकिन कुछ की प्लेयर्स हैं जो इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड के कप्तान केली विलियमसन है, वो उपलब्ध नहीं है इस मुकाबले के लिए। सऊदी उपलब्ध नहीं है न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले के लिए। दूसरी तरफ बेन स्टोक्स, जो कि शानदार खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, वो इंग्लैंड की टीम में आज के मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के अगर कुछ स्टार प्लेयर उपलब्ध नहीं भी है, उसके बावजूद ये मुकाबला बड़ा होने वाला है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है और वर्ल्ड कप का आगाज अब हो चुका है भारत में। पहली बार भारत ने संयुक्त रूप से इससे पहले विश्व कप जरूर खेले हैं, श्रीलंका बांग्लादेश के साथ मिलकर 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। लेकिन भारत पहली बार अकेला देश ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। पहली बार भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, तो इसलिए हर किसी की निगाहें होने वाली है और पहला मुकाबला है, ये पहली फाइट है, तो सबकी नजरें रहने वाली हैं कि किस तरह से पहला मुकाबला खेला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबकी निगाहें और आज आगाज हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।